नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेक्टोनिक्स हिंदी चैनल पे उषा जेनोम ड्रीम स्टिच ऑटोमेटिक स्विंग मशीन। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि हम इस बॉक्स के साथ हमें क्या क्या मिलता है। आजकल कन्वेंशनल मशीन की तुलना में ऑटोमेटिक स्विंग मशीन, जो इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन्स होती हैं, वो काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं, क्योंकि ये काफ़ी आसान होता है इस पर करना स्विंग और इसे चलाना भी बहुत आसान होता है। तो आइए हम इसे डिटेल में जानते हैं। यहाँ मुझे बॉक्स के साथ बॉक्स के अंदर मुझे मशीन मिला है, उषा का जेनोम ड्रीम स्टिच ऑटोमेटिक स्विंग मशीन। इसमें मुझे एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट मिली है, एक मशीन का कवर मिला है जिसे हम इसे कवर कर सकते हैं, और फुट प्रेसर मिला है जिसे हम सॉकेट से प्लग इन करेंगे और ये एक ऑटोमेटिक स्विंग मशीन बन जाएगी। ये जो उषा का जेनोम ड्रीम स्टिच स्विंग मशीन है, ये मैंने अमेज़न से परचेज़ किया है। सो अमेज़न से परचेज़ करने जब आप जाएंगे तो उसमें वो पूछेगा कि क्या आपको उसके साथ एक फ्री किट भी लेनी है। सो मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया था कि मैंने इसके साथ एक फ्री किट लिया है। ये उषा का ही है थ्रेड का ये किट है, जिसमें हमें एक सीज़र और कुछ चीज़ें, हेल्पफुल चीज़ें, निडल, बटन्स एंड थ्रेड स्पूल्स मिलते हैं काफ़ी कलर्स में, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है हमें सिलाई में, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। साथ में मैंने अलग से उषा का एक सीज़र भी ऑर्डर किया है, जो कि ये कपड़ों को काटने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। जब मैंने इसे पहली बार ऑर्डर करके मंगाया था अमेज़न पे, तो इसके बॉक्स में ये किट नहीं था, बल्कि मैंने किट ऑर्डर किया था तो फिर मैंने रिप्लेसमेंट के लिए डाला था और फिर ये किट वापस से आया। तो जब भी आपका ऑर्डर आए, आप प्लीज़ अब चेक कर लें कि आपकी सारी चीज़ें उसमें हैं कि नहीं, उसके बाद ही उस पर वर्क करना स्टार्ट करें। तो चलिए हम देख लेते हैं इस बॉक्स पर क्या क्या मेंशन है और फिर हम आपको सारी चीज़ें दिखा देंगे। सो उषा जेनोम ड्रीम स्टिच ऑटोमेटिक स्विंग मशीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल काफ़ी आसान हो गया है ऑटोमेटिक स्विंग मशीन, इलेक्ट्रिकल स्विंग मशीन पे वर्क करना। इस ये प्रोडक्ट काफ़ी पॉपुलर है, अभी काफ़ी लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ 14 फ्री एसेसरीज मिलती हैं, 2 साल की वारंटी मिलती है आपको, 14 स्टिचेस फंक्शंस मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ, आप डिफरेंट डिज़ाइंस की स्टिचिंग कर सकते हैं फैब्रिक पे। होम सर्विस मिलता है आपको, फ्री होम डेमो भी मिलेगा। अगर आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे, आप चाहें तो उन्हें बुला सकते हैं, वो आपको फ्री डेमो देने के लिए अवेलेबल होंगे। दूसरा, आपको स्विंग ट्यूटोरियल्स मिल सकते हैं usha.com पे, वहाँ भी जाके आप अगर नए हैं तो स्विंग कैसे सीख सकते हैं, और हमारे चैनल पे भी हम आपको आने वाले वीडियोज़ में सारी चीज़ें दिखाएंगे और सिखाएंगे। थोड़ा सा प्रोडक्ट पे नज़र डालते हैं, तो प्रोडक्ट नेम आपको पता है, स्विंग मशीन है, मॉडल का नाम है ड्रीम स्टिच। वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी है इसकी मेंशन की हुई है, जो नॉर्मल हमारे होम अप्लायंसेस की होती है वही है जिस पे वर्क करेगा। काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, इजी टू कैरी है, हैंडल मिली है हमें, तो इसका वेट 5 kg ही है, बहुत आसानी से हम इसे कैरी कर सकते हैं। इसकी MRP 12650 दिखा रही है, बट अमेज़न पे ये डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाती है, इस पे ऑफ़र्स भी काफ़ी मिल जाते हैं आपको, और ये नो कॉस्ट EMIs भी कभी कभी अवेलेबल रहती हैं, तो आप इसको वहाँ से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम देखना चाहें तो ये काफ़ी अच्छा मॉडल है। अब हम देख लेते हैं इसमें 14 फ्री एसेसरीज हमें क्या मिलती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 14 स्टिचेस हमें मिलते हैं, काफ़ी स्पेशल फीचर्स हैं इसमें। इनबिल्ट लाइट है, जो काफ़ी मैंने आपको बताया कि कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल है। इनबिल्ट जो है स्विंग की लाइट मिलती है हमें निडल के साथ ही, जो हमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। सिंगल टच रिवर्स स्टिच होती है, मैं अभी दिखाऊंगी आपको। इसमें थ्रेड कटर भी होता है और निडल बार, और ये एक्सटेंशन टेबल अगर हम हटा दें तो फ्री आर्म सर्कुलर स्टिचिंग कर सकते हैं, जो हम हाथ की सिलाई करते हैं कफ्स की, तो वो हम कर सकते हैं। और बाकी डिज़ाइन आपको दिख ही रही हैं, हम एक एक करके आपको अपने आने वाली वीडियोज़ में करके दिखाएंगे। ये 14 एसेसरीज आपको मिलती हैं, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये आप देख सकते हो, जो हमारा ये ड्रीम स्टिच का मॉडल है, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट और अच्छा है। देखिए सारा सेटअप आपको एक बार में आप देख सकते हो, मैं एक एक पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दूंगी।
कि कैसे कैसे हम किनको क्या बोलते हैं और कैसे ये वर्क करता है। मैं अभी आपको एसेसरीज़ दिखा रही थी, तो एसेसरीज़ हमें यहाँ ये एक्सटेंशन टेबल के अंदर मिलती है। इसको हम हल्के से ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ओपन हो जाता है एंड इसके अंदर हमें एसेसरीज़ मिलती हैं। सो एक बार हम मिला लेते हैं कि हमें 14 एसेसरीज़ मिली हैं कि नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं फ्री एसेसरीज़ यहाँ पे बॉक्स पे भी मेंशन किया हुआ है जो जो हमें मिलता है। सो यू कैन सी हेयर, ये जो हमें डिफरेंट तरह की जिगजैग फुट जो लगी हुई है इसमें मशीन में ऑलरेडी जिगजैग फुट, देन जो है राउंड हैमर फुट है हमारी, दिस ये है हमारा राउंड हैमर फिट, दो बॉबिन मिलती है हमें इसके साथ, एक सीम रिपर मिलता है, ये हमें ओपनिंग के लिए यूज़ होता है बटन होल के लिए। उसके बाद हमें मिलते हैं स्पूल्स, फिर एक फेल्ट, इसे फेल्ट होल्डर कहते हैं, ये बटन होल फुट है, इसमें सेट करके हम बटन्स वो करते हैं। डार्निंग प्लेट हमें मिलती है, ये डार्निंग प्लेट होती है जिसे हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं अपने डार्निंग डिज़ाइन के लिए। और ये हमें निडल्स मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें इसके साथ एक्स्ट्रा मिलती हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये HA क्रॉस 114 थ्री पीस निडल है जो कि नॉर्मल फैब्रिक, काफ़ी रेंज ऑफ फैब्रिक्स पे ये वर्क करेगा, काफ़ी अच्छे से स्टिचिंग करेगा, तो ये थ्री निडल्स हमें मिलते हैं। अब चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं जो कि हमें हेल्प करेगा वर्क करने में। तो ये देखिए, ये है हमारा उषा जेनोम्स ड्रीम स्टिच ऑटोमेटिक स्विंग मशीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमें स्टिच सिलेक्टर डायल मिलता है, यहाँ पे हम जैसे जैसे डिज़ाइंस सिलेक्ट करेंगे हमें अलग अलग डिज़ाइन की स्टिचिंग मिलेगी, ठीक है। देन ये आप देख सकते हैं ये है बॉबिन वाइंडर स्टॉपर, इसमें ये बॉबिन का निडल है, हम इसमें बॉबिन फंसाते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि हम बॉबिन को कैसे फिल करते हैं। ये आपका बॉबिन वाइंडर का थ्रेड गाइड है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा स्पूल पिन है, इसमें हम थ्रेड का जो स्पूल होता है उसको हम लगाते हैं, देन यहाँ से गाइड करके हम यहाँ पे बॉबिन वाइंडर थ्रेड गाइड में लगा के और अपने बॉबिन को फिल करते हैं। सो अब ये जो अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थ्रेड टेकअप लीवर है, टॉप कवर थ्रेड गाइड हमें मिलता है यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि टेंशन, थ्रेड में टेंशन कैसी रखनी है हमें, मतलब वो कितना टेंशन, मतलब जितना मजबूती से धागे की स्टिचिंग करनी है हमें, तो वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये डायलर है 4, 3 और 5, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे हम इसे चेंज करते हैं अपने आने वाली वीडियोज़ में। ये है यहाँ पर, देन आप देख सकते हैं निडल है, निडल प्लेट हो गई, एक्सटेंशन टेबल मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे अगर हम एक्सटेंशन टेबल को निकालते हैं तो हम हाथ के बाजू की सिलाई इस पर कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये प्रेसर फुट है, जिगजैग फुट हमने लगा रखा है, रिवर्स स्टिच बटन मिलती है हमें, जिसे हम जितनी देर प्रेस करते हैं वो रिवर्स में स्टिचिंग करता है। कैरिंग हैंडल हमें मिल जाती है जिसकी वजह से ये मशीन काफ़ी पोर्टेबल हो जाता है, जिसे हम आराम से इसे कहीं भी कहीं से मूव कर सकते हैं। स्पूल पिन मैंने आपको दिखा दिया, हमें यहाँ हैंडविल मिलता है, हैंडविल जो है कैसे वर्क करता है जब हम अपने बॉबिन की वो करते हैं वाइंडिंग, और ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो हैंडविल है यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ हमें मशीन का पावर स्विच मिलता है, जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो हम मशीन को ऑन करेंगे, सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही हम ऑन करेंगे, और नहीं तो हम इसे ऑफ मोड में रखेंगे, ठीक है। ये है हमारा मशीन का सॉकेट, इसमें हम यहाँ पे, तो अब हम इस मशीन सॉकेट में अपने इस जो हमारा फुट कंट्रोल है इसको जोड़ेंगे। फुट कंट्रोल में आप देख सकते हैं ये हमें मशीन के अंदर ही मिलता है, ये फुट कंट्रोल है, इसको ओपन कर लेते हैं, वायर को अनवाइंड कर लेते हैं। तो एक आपका इसमें सॉकेट में होगा, मशीन के सॉकेट में लगेगा एक एंड, और दूसरा एंड आपके जो आपका पावर प्लग होगा उसमें लगेगा। तो पहले चेक कर लें ऑफ है पोजीशन, ठीक है, हम पहले ऑफ़ कर लेते हैं, देन हम इसमें इसको लगाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कटिंग्स हैं, एक तरफ सर्कुलर हैं और एक तरफ स्ट्रेट है, तो आप भी ऐसे ही देख लें, सर्कुलर और स्ट्रेट को ऐसे सेम पोजीशन में रख के आप इसको इंसर्ट करेंगे। ये हमारा फिक्स हो गया है, जो हमारा ये फुट कंट्रोलर है, फुट कंट्रोल जिससे हम प्रेस करेंगे और ये फुट
मशीन की स्पीड को बढ़ाता है और घटाता है। अगर आप कम प्रेस करेंगे तो ये जो है स्लो स्पीड से मशीन चलेगी, और अगर आप ज़्यादा प्रेस करेंगे तो ये ज़्यादा स्पीड से चलेगी। तो ये हम आपको करके दिखाएंगे। अभी हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि ये कैसे वर्क करता है। इसको हम नीचे फुट के लिए रखेंगे, फुट कंट्रोल के लिए। ये कनेक्ट हो गया मशीन से, और ये जो दूसरा एंड है हम इसको पावर सॉकेट में डालेंगे और ऑन करेंगे। तो अब हमने इसको पावर में प्लग में लगा दिया है, ऑन कर दिया है। यहाँ भी सब कुछ हमने रेडी कर दिया है, तो अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन पोजीशन में स्विच को कर देंगे। जैसे ही हम ऑन में करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ इनबिल्ट एक लाइट मिलती है हमें थ्रेड के पास, निडल के पास, तो ये करने में हमें हेल्प करता है। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि मशीन हमारा स्टार्ट कर रहा है वर्क करना, मतलब ये परफेक्टली फाइन है, हम इसको रख सकते हैं और इस पर सिलाई कर सकते हैं। जब हम थ्रेड लगाएंगे बॉबिन में वाइंडिंग करके, बॉबिन नीचे डालेंगे, तब ये वर्क सिलाई असली होगी। बट अभी हम सिर्फ ये चेक कर लेते हैं प्रेस करके कि क्या हमारा मशीन वर्क कर रहा है। तो हमारा मशीन वर्क कर रहा है। ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा स्पीड से होगी, अगर हम थोड़ा सा करेंगे प्रेस तो ये कम स्पीड से सिलाई होगी। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। उषा जेनोम ड्रीम स्टिच ऑटोमेटिक सिंग मशीन की अनबॉक्सिंग आपको अच्छी लगी हो, और इसके बाद हम इसकी कैसे बॉबिन में वाइंडिंग करते हैं, कैसे हम थ्रेड को थ्रेड स्पूल को हम फिक्स करते हैं और मशीन में सिलाई स्टार्ट करेंगे, तो ये सारी वीडियोस हमारे आने वाले वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे। हमारे चैनल पर बनी रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियोस में आपको उषा ड्रीम स्टिच ऑटोमेटिक स्विंग मशीन का के बारे में और कैसे हमें अलग अलग डिज़ाइन में इसमें स्टिचिंग करनी है वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो चलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।